बेनफ्स होकर यहाँ पर जमा होना इस बात का पैगाम देता है और साथ ही साथ आपने यहाँ पर आकर इस बात का पैगाम दे दिया कि आइंदा साल 2022 में जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होंगे इंशाअल्लाह ताला रुदौली से यहाँ से मजलिस का उम्मीदवार यकीनन विधायक बन के आपकी आवाज बनकर मेरे अजीज दोस्तों मेरी इज्जतदार माँ और बहनों मैं ज्यादा वक्त आपके दरमियान में नहीं रहूंगा बल्कि अहम बातें आपसे कर यहाँ से रुख्सत हो जाऊंगा। मजलिस आने वाले विधानसभा के चुनाव में पूरी ताकत और पूरी तैयारी के साथ जनाब मोहतरम शौकत अली की क़यादत में विधानसभा के इलेक्शन को लड़ेगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मजलिस के मुखालिफीन है वो इस बात को समझ ले कि ये वो मजलिस नहीं है जो 2017 में विधानसभा के इलेक्शन में हिस्सा ली थी। इस 5 साल के अरसे में मजलिस ने अपने संगठन को मजबूत किया। मजलिस का पैगाम उत्तर प्रदेश के घर घर पहुंच चुका है। मजलिस ने अपनी तंजीम को अपनी जमात के लोगों की मेहनत और जस्तजू की बुनियाद पर पहले से ज्यादा आज उत्तर प्रदेश में मजबूत है और हमारा आपको यही पैगाम है यही आपसे इल्तिजा और गुजारिश है कि उत्तर प्रदेश में मजलिस की पहली कोशिश ये है कि यहाँ से आपकी मुस्लिम अकलियत की एक सियासी लीडरशिप बने। मैं आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा स्टेट है प्रदेश है यहाँ पर हर बिरादरी की यहाँ पर उनकी एक सियासी ताकत है उनकी एक पहचान है। अगर उत्तर प्रदेश में अगर किसी की सियासी लीडरशिप नहीं है किसी की सियासी आवाज नहीं है किसी की आवाज की अहमियत नहीं है किसी के आंसुओं की अहमियत नहीं है अगर कोई यतीमी और लाचारी के माहौल और मायूस हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है। और मजलिस ये चाहती है कि आप जमहूरियत को मजबूत करें। भारत की जमहूरियत कैसे मजबूत होगी? भारत की जमहूरियत उस वक्त मजबूत होगी जब सबको उसमें हिस्सेदारी का उसमें हिस्सा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया। अगर किसी के साथ इंसाफ नहीं हुआ किसी को उनका हिस्सा नहीं मिला तो मैं ये साफ तौर पर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं जिनको अभी तक उनका हिस्सा नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि आपने पिछले 60 साल से सेकुलरिज्म के झूठे वादे पर आपने मुख्तलिफ पार्टियों को वोट किया। कभी आपने कांग्रेस को वोट किया उनको नेता बनाया विधायक बनाया सांसद बनाया मुख्यमंत्री बनाया कभी आपने उनको प्रधानमंत्री बनाया कभी आपने बीएसपी को वोट किया उनका मुख्यमंत्री बनाया आपने समाजवादी पार्टी को वोट दिया उनका मुख्यमंत्री बनाया
मगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि आपका पूरे उत्तर प्रदेश में आपका कौन है नेता, कौन है आपकी आवाज, कहां है आपकी सियासी ताकत। आज उत्तर प्रदेश में आपके वोट की अहमियत नहीं है, आपके आंसुओं की अहमियत नहीं है, आपके मसाइल की अहमियत नहीं है। मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे कम पढ़े लिखे अगर कोई है तो मुसलमान है। आखिर क्यों कम पढ़े लिखे मुसलमान है? क्या इसका जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी है? अगर उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2% बच्चे ग्रेजुएट होते हैं तो क्या उसका जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी है? उत्तर प्रदेश में मुसलमान आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, जो स्कूल के बाहर है, जिनकी उम्र स्कूल में तालीम हासिल करने की है वो 60% है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी है। उत्तर प्रदेश की जेलों में सबसे ज्यादा अगर दलित भाइयों के साथ अगर कोई इंडस्ट्राइल है तो मुसलमान है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार किसी हद तक हमको भी अपने गिरेबान में झांक कर देखना है। मैं आपको पैगाम देने आया हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन फिरका परस्ती को हराना है, फिरका परस्ती को हराना है, मगर फिरका परस्ती को हराने का मतलब यह नहीं है कि आप खुद हार जाएंगे। फिरका परस्ती को हराने का मतलब यह कि आप जीतेंगे, तभी जाकर बीजेपी को शिकस्त होगी। अगर रुदौली से मंजलिस का उम्मीदवार एमएलए विधायक बनेगा तो यकीनन बीजेपी को यहां पर हम शिकस्त दे पाएंगे। मेरे अजीज दोस्त और मित्रों, रुदौली में मैं यहां पर खड़े होकर दिल की अमीर गहराइयों से हमारे इश्तियाक अहमद साहब एक एमएलए हुआ करते थे, पट्टी समाज से उनका ताल्लुक था, मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूं। आप बताइए, कोई नाम नहीं लेता इश्तियाक साहब का और फिर मंजलिस पर इल्जाम लगाया जाता है कि मंजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन वोट काटने के लिए आती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मंजलिस किसी को काटने को नहीं आती, मंजलिस जोड़ने को आती है और मंजलिस ये काम करके रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हमको यहां के जिम्मेदारों ने बताया कि जो ओवर ब्रिज है रुदौली का, अब आप जाकर समाजवादी के लोगों से पूछेंगे ओवर ब्रिज क्यों नहीं बना 2 साल से, तो 5 साल से, तो बोलेंगे ओवैसी यहां से गया था इसलिए नहीं बना। ओवर ब्रिज नहीं बना, और जो मुख्यमंत्री बाबा है, बाबा को भी पता नहीं है, बाबा को बोलेंगे ओवर ब्रिज तो बाबा बोलेंगे नाम बदल दो। यानी हमारा हाल ऐसा हो गया है। और फिर ओवर ब्रिज नहीं होने की बिना पर हाईवे पे आने के लिए लंबा सफर 10 किलोमीटर का करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि यहां पर जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है माशाल्लाह खंडेर में तब्दील हो चुका है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पाइप लाइन के लिए रोड खोद दी गई है, मगर ये विकास हो रहा है बाबा के दौर में। बाबा के पास एक ही फार्मूला है, जाके बाबा को बोलिए सर गोदक नाम बदल दो, काम हो जाएगा। फिरोजाबाद में 50 बच्चे डेंगू से मर गए, 50 बच्चे, नाम बदल दो, क्या नाम बदलने से बच्चे मरना बंद हो जाएंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर ये आपके रुदौली में मेरे पास रिकॉर्ड है, ये अखिलेश भी नहीं बोल सकते, ना कांग्रेस ना बसपा के लोग बोल सकते हैं।
वो सिर्फ आपको बोलेंगे वोट डालो हमको वोट डालो, मगर हासिल क्या हुआ बताइए कि उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज के लिए जिसमें मुसलमान भी शामिल है 2019-20 में मोदी सरकार ने बाबा की सरकार को 116 करोड़ रुपए दिए कि मुसलमानों के उन गांव में जहां पर 25% माइनॉरिटी रहते काम कराओ, स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ। 116 करोड़ दिए गए और जिसमें से बाबा की सरकार ने महाराष्ट्र ने सिर्फ 16 करोड़ खर्चा किए। और महाराज बोलते, मोदी बोलते, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 116 करोड़ में सिर्फ 16 करोड़ खर्चा किए गए। दूसरी बात कि रुदौली तहसील में क्या कोई हायर सेकेंडरी स्कूल है? गवर्नमेंट का है, क्यों नहीं है? क्या हमको हमारे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का शौक नहीं है? क्या आप अपने बच्चों को तालीम दिलाना नहीं चाहते? क्या अपने बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते? तेरा बोलेंगे नहीं, मुसलमान बच्ची को नहीं पढ़ाना चाहता। अरे दिमाग तेरा खराब है, हम पढ़ाना चाहते, काबिल बनाना चाहते, ताकतवर बनाना चाहते अपनी बच्चों को। इनको अफगानिस्तान के लड़कियों पर जुल्म की बड़ी फिक्र है, मगर रुदौली में बच्चियों के पढ़ने के लिए ये इनका डोगला दोहरा चेहरा है। और फिर आप देख लीजिए कि फिर उत्तर प्रदेश की बाबा की सरकार ने कहा कि कोविड आया तो मई में फैसला किया कि ऑनलाइन स्कूलों को स्कूल में तालीम दी जाएगी। आपको मालूम मेरे भाई, आपके रुदौली में कितने टीचर को कंप्यूटर इस्तेमाल करना आता? कितनों को आता है? ये हाल यहां पर इस तरह का करके रखती है। और आप फिर आप ये भी देख लीजिए कि जो हेल्थ की बात है, हेल्थ की बात में रुदौली में 255 सब सेंटर है, 40 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, 5 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, कोई सब डिविजनल हॉस्पिटल नहीं है, 4 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद कितने आपने खोले बताओ? जब आप जवाब दे रहे हैं तो सच्चाई पर वो बननी होगा। आपको मालूम कि रुदौली में ये जिला अयोध्या का है, यहां पर कितने बच्चे 5 साल की कम उम्र के, जब 5 साल के होते हैं तो स्टंटेड कितने होते हैं, कमजोर कितने होते हैं? 50%। बाबा से जाकर पूछिए, महाराज से, तो बोलेंगे ये फिरका परस्ती की बात कर रहा हूं। ऐसी मैं चैलेंज से कह रहा हूं कि 50% 5 साल के कम उम्र के बच्चे स्टंटेड है अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी हुक्मरानी बीजेपी उत्तर प्रदेश में कर रही है? और फिर वेस्टेड बच्चे 19%, अंडर वेट यानी जो उम्र में वजन उनका होना चाहिए कितने मालूम आपको? 45%। मैं जो कुछ कह रहा हूं, अगर मेरी बहन, मेरी मां मेरी बात को सुन रही है तो कहेगी कि हां ये बात सच है कि जिस बेटे को, जिस बेटी को मैंने 9 महीने अपने पेट में रखकर पैदा किया, आज वो स्टंटेड भी है और उसका वेट भी कम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर ये सरजमीन, हम जब यहां पर आ रहे थे तो 2 दिन से हमारे माशाल्लाह मीडिया के बड़े बड़े लोग बोलना शुरू कर दिए कि ओवैसी अयोध्या को नहीं जा रहे हैं, ओवैसी अयोध्या का नाम नहीं लेते हैं। मैंने कहा भाई साहब, अयोध्या भी भारत में है, फैजाबाद भी भारत में है और ओवैसी भी भारत में है। अब फैजाबाद की तारीख इनको नहीं मालूम जो शाम में 6 बजे टीवी पर बैठते हैं, 8 बजे बैठते हैं, 9 बजे बैठते हैं, ऐसा बैठकर
भाषण देते हैं, खुदबा देते हैं और ऐसा देते हैं कि बस नरेंद्र मोदी उनको देखे तो कहे कि ये तो मेरा घर वाला। क्या कहा उन्होंने कि ओएसी को अयोध्या नहीं जा रहे? मेरे भाई अयोध्या भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हम जब कश्मीर गए तो अयोध्या नहीं जाएंगे। और फैजाबाद की तारीख, इनको नाम फैजाबाद से इतनी जलन क्यों है? नाम बदल दिया, पेट में दर्द क्यों होता है? फैजाबाद की जेल में क्या शफाकुल्लाह को फांसी नहीं दी गई थी? क्या फैजाबाद की जेल में अशफाकुल्लाह को जब फांसी दी जा रही थी तो क्या अशफाकुल्लाह जब फांसी के फंदे पर जा रहा था तो उसकी जबान पर कुरान की आयतें थी? जब अशफाकुल्लाह फांसी के फंदे पर गया तो रास्ते में जेल के लोगों से मिलकर कहा कि खुदा हाफिज, मैं अपने रब से मिलने जा रहा हूं? क्या अशफाकुल्लाह ने जब फांसी का फंदा लेकर उसको चूमा और अपने गले में डाला तो पूछने वाले ने पूछा कि बता मरने वाले, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो अशफाकुल्लाह ने क्या ये नहीं कहा कि ला के रख दे खाके वतन मेरे कफन में, ये मोहब्बत के मजार है अशफाकुल्लाह? ये हमको बोलना पड़ता है, वरना ये 6 बजे 8 बजे 9 बजे बैठकर जो चीखे मारते हैं, जो पुकार कर रहते हैं कि हाँ माई बाप देख लो हमको, मार की तारीफ में बोल रहे हैं, इनको बताना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि ये लोग बात करते हिंदू और मुसलमान के इत्तेहाद की मोहब्बत की, यकीनन वो पैदा होना चाहिए। और कैसे पैदा होगा? अशफाकुल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती कैसी थी? राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह एक मंदिर के पास बैठे थे, शाम के वक्त एक मुसलमान आ गए मंदिर पर हमला करने के लिए, तो अशफाकुल्लाह ने अपना रिवॉल्वर निकालकर कहा खबरदार, तुम मंदिर पर हमला नहीं करोगे वरना अशफाकुल्लाह फायर करेगा। ये मोहब्बत की मिसालें थी। क्या आपको मालूम नहीं? सुनिए, मैं थाली बजाने के लिए या आपसे दाद हासिल करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारी थालियों का मोहताज ना कभी था ना कभी रहूंगा। मैं किसी का मोहताज हूँ तो अल्लाह का मोहताज हूँ। मैं तुमको आपको बताने आया हूँ कि अपने दिलों में एक इनकलाब पैदा करो, अपने दिलों में एक तब्दीली पैदा करो। अगर जिंदा हो तो जिंदा कौम की मिसाल बनो, अगर जिंदा हो तो हरकत करो, अगर जिंदा हो तो अपनी पार्टी का वोट दो, अगर जिंदा हो तो तोड़ दो ये तमाम गुलामी की कैदियों की जंजीरों को, जो 60 साल से तुमको डरा डरा कर तुम्हारा होश हासिल करके हमको बर्बादी के चाहने पर लाकर खड़ा कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अशफाकुल्लाह शहीद को एक मुसलमान जेलर जाकर अशफाकुल्लाह से कहता है कि अशफाकुल्लाह तुम गवाही माफी बन जाओ, तुम ये तमाम जो दीगर हिंदू हैं जिन पर काकोरी ट्रेन का मुकदमा आया हुआ तुम उनके खिलाफ बोलो। तो अशफाकुल्लाह ने कहा मैं एक मुसलमान हूं और बाकी मेरे साथी हिंदू हैं, मैं अपने आप को गिरने नहीं दूंगा ना अपनी कौम को गिरने दूंगा, मैं अंग्रेजों के खिलाफ था और रहूंगा, मेरा ख्वाब है कि मुल्क आजाद हो। मैं आज उदौली में खड़े होकर आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि अगर हम अशफाकुल्लाह के ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं, अगर हम राम प्रसाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं, तो अशफाकुल्लाह ने ये ख्वाब देखा था, अशफाकुल्लाह ने ख्वाब देखा था कि मुल्क जब आजाद होगा तो यहां पर सबको उनका हिस्सा मिलेगा। अशफाकुल्लाह ने ख्वाब देखा था कि मैं फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा, 27 साल की उम्र में अपनी जवानी को इस मुल्क पर कुर्बान कर दूंगा, मगर आने वाले नौजवानों का मुस्तकबिल खराब नहीं होगा। नौजवानों, रुदली के गयूर नौजवानों, उत्तर प्रदेश के मेरे गयूर नौजवानों, तुमको अशफाकुल्लाह के ख्वाबों को पूरा करना है, तुमको पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की तरह उस मोहब्बत की निशानियों को बताना है, और मोहब्बत होगी तो गुलामी नहीं होगी, हिस्सेदारी की मोहब्बत होगी, हिस्सेदारी की मोहब्बत होगी।
ख्वाब अशफाक उल्लाह ने देखा था, अब उन ख्वाबों को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। ख्वाब देखना शुरू करो और ख्वाबों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा। यकीनन रास्ते में मसायब और मुश्किलात आएंगे, कोई रास्ता आसानी से हम अपनी मंजिल मकसूद को आसानी तक नहीं पहुंच पाएंगे। जस्तजू करना पड़ेगा, जद्दोजहद करना पड़ेगा, इशार और कुर्बानियों के मजारे करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हम अपने इन ख्वाबों को पूरा करेंगे तब जाकर हम एक सियासी कुव्वत बनकर यहां पर उभरेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि रुदौली में यहां पर जहां पर हमने इश्तियाक अहमद साहब का जिक्र किया तो रुश्दी मियां का भी जिक्र कर, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, वो हमारे भाई हैं, दोस्त नहीं, हम जानते भी नहीं है उनको, मगर मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ओवैसी की जबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो बड़े कड़वे होते हैं। अखिलेश यादव आ जाओ रुदौली में, तुम एक तरफ मैं एक तरफ, इस जनता को बात करेंगे, बोलेंगे। तुम डराने की बात करते हो, मैं उम्मीद दिलाने की बात करता हूं। तुम भगाने की बात करते हो, मैं कहता हूं पीठ नहीं सीना दिखाओ। तुम जहालत की बात करते हो, मैं इल्म की बात करता हूं। तुम डराने की बात करते हो, मैं इतिहाद की बात करता हूं। ये मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का पैगाम, और यहां पर आप जानते हैं कि पहली मरतबा अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां जब हारे तो 1000 वोट से हारे। 5 साल के बाद जब 2017 में इलेक्शन हुआ तो रुश्दी मियां 31000 वोट से हार गए। मैं तो नहीं रहा था ना अखिलेश, तो यादव ने, रुदौली के हमारे यादव भाइयों ने फैसला किया कि समाजवादी तो यादवों की पार्टी है, अखिलेश यादवों का हमारा नेता है, मगर रुदौली से यादव नहीं है, रुश्दी मियां है, इसलिए हम बीजेपी के यादव को वोट देंगे। ये हकीकत है ना, ये सच कह रहा हूं ना मैं, क्या मैं सच कह रहा हूं, क्या मैं झूठ कह रहा हूं? तो फिर आप 22 के चुनाव में क्या करेंगे? फिर आप किसको वोट देंगे? आप किसको वोट देंगे? आप ये काम करके दिखाना है, सिर्फ जज्बात में आकर नहीं कहना है, बल्कि कामयाब करना है अपनी पार्टी को। जिस तरह बिहार में हमारे 5 विधायक कामयाब हुए और बिहार में कामयाबी के बाद बिहार की विधानसभा में अख्तर अली ईमान की क्यादत में मजलूमों की आवाज बनकर, कमजोरों की आवाज बनकर, यतीमों के इंसाफ के लिए मजलिस बिहार के विधानसभा में आवाज उठा रही है। जब यादव एक हो चुका है बीजेपी के कैंडिडेट कराने के लिए रुश्दी मियां को राज किए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि मुत्तहिद रहिए, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, या फिर कांग्रेस हो, या बीजेपी हो, इनको एक ही बात की तकलीफ है कि पूरे भारत में मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप ना बने। मैं यहां पर अपनी शोहरत के लिए नहीं आया, अल्लाह जानता है, मैं आपको नेता बनाने के लिए आया हूं कि आपकी सफल से कोई कायद उठ जाए, जो 1 साल 2 साल नहीं बल्कि रहती दुनिया तक तुम्हारी आवाज बने। और उस वक्त होगा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब आप अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे अपनी दुआओं से, अपने वोट से, और पार्टी के पाबंद डिसिप्लिन सिपाही बनकर आप मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मुझ पर इल्जाम लगते हैं, मुझे कोई फिक्र नहीं, बहुत से इल्जाम लगते हैं मुझ पर, मगर याद रखो जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन ओवैसी सच को और हक को बयान करता रहेगा। अल्लाह जब तक
मेरे जिस्म में आखिरी सांस को रखेगा, मैं आपके हक के लिए लड़ता रहूंगा। मुझे नहीं मालूम कि मेरी जिंदगी का चिराग कब गुल हो जाए, मगर रुदौली के नौजवानों, उत्तर प्रदेश के गैयूर नौजवानों, उत्तर प्रदेश के मेरी इज्जतदार मां और बहनों, कौम और मिल्लत के जिम्मेदारों, मैं तुमसे भीख मांगने आया हूं, मुत्तहिद हो जाओ। आज तुमको मुत्तहिद होना है, ये फैजाबाद अयोध्या है। अगर कोई मुझसे सवाल करता है तो याद रखो, इसी अयोध्या में 6 दिसंबर को हमने भी देखा, सारी दुनिया ने भी देखा क्या हुआ। आज उसका जिक्र करने से डरते हैं सेकुलर पार्टी के लोग, जिक्र करने से डरते हैं, डरा डरा कर वोट हासिल करते हैं। अरे याद रखो, वो कौम जो नवासा रसूल को जन्नत का शहजादा मानती है, क्या वो कौम डरेगी इन लोगों से? क्या तुम डरोगे इन लोगों से? इंसान से नहीं डरना, सिर्फ रब्बे कायनात से डरने का हुक्म सिखाया गया। सिर्फ रब्बे कायनात से डरना है, किसी से भी नहीं, ओवैसी से भी नहीं। हाँ, अगर ओवैसी की जबान से अगर सच निकल रहा है तो उस पर गौर करो, उस पर गौर करो। अगर गलत है तो कोई बात नहीं, अगर सच है तो उसको कबूल करो। मेरे दिल में नहीं है, मेरी ताकत, मेरी मुझे अल्लाह ने इतनी ताकत नहीं दी है कि मैं तुम्हारे दिलों को मोड़ सकूं। दिलों को मोड़ने वाला तो रब्बे कायनात है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। इलेक्शन जैसा करीब करीब आएगा, आज अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, अतीक अहमद साहब जो 5 बार के विधायक हैं, 1 बार के सांसद हैं, वो आज मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन में शामिल हुए हैं। तो हमने उनका खैर मुकदम किया, वेलकम किया, और मीडिया के हमारे लोग आए थे लैला को सुनने के लिए। तो हम उनके सवाल करने से पहले उनको बता दिया कि भाई साहब आप सवाल मत करिए, आपके दिल में जो जवाब है वो हम आपको बता ही देते हैं। हमने उनसे कहा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के जो एमएलए हैं, 37% बीजेपी के एमएलए के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, 37%। हमने कहा 116 एमपी बीजेपी के उन पर भी केस है। और फिर हमने उनको ये भी बता दिया, ये शुरू हो जाते देखो बाहुबली को ला लिए, फुला को ला लिए, देखिए। बल्कि जिस किसी का नाम अतीक होगा, शहाब होगा, मुख्तार होगा, वो गैंगस्टर होगा, बाहुबली होगा। और जिसका नाम प्रज्ञा, अजय, कुलदीप, संगीत, सुरेश, कपिल होगा, वो क्या होगा? लोकप्रिय नेता होगा। यानी अतीक का ताल्लुक एक कमजोर समाज से है। अगर अतीक का ताल्लुक एक ताकतवर समाज से होता, और अगर अतीक अहमद मुजफ्फरनगर के कांड से पहले तकरीर करते या गोरखपुर में वो तकरीर करते, तो हो सकता कि महाराज उन पर केस विड्रॉ कर लेते, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने आप पे से केस विड्रॉ कर लिया और बीजेपी के 70 से शायद मुकदमे वापिस ले लिए मुजफ्फरनगर के कांड। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनका, ये तमाम इनके कारनामे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको डराया जाएगा बीजेपी से, मोदी से, योगी से। हम तो आए हैं उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हराने के लिए इंशाअल्लाह ताला। मजलिस का मकसद ये है कि बीजेपी की सरकार ना बने, उत्तर प्रदेश से योगी दोबारा मुख्यमंत्री ना बने। क्यों ना बने? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गंगा में लाशें बह रही थी, ऑक्सीजन नहीं था, दवाएं नहीं थी, जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी, दफनाने के लिए जमीन नहीं थी। और अगर किसी गरीब ने इन तमाम की नहीं होने की बिना पर नदी के किनारे जमीन पर दफना दिया, तो दुनिया ने देखा कि कुत्तों ने किसी के बाप और भाई और बहन की लाशों को लोच लोच कर खाया।
ये हुआ है। इसीलिए बीजेपी की मुखालिफत करना है, मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए, मजलिस को कामयाब करिए, ये सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी। पार्लियामेंट में आपने देख लिया, कोई आकर ये कहेगा इसे सेकुलर पार्टी का, अरे ओवैसी के तो 2 MP हैं, क्या फाड़ लेगा। अरे भारत की पार्लियामेंट देखती है कसरुद्दीन ओवैसी के साथ इम्तियाज चली जाए, दूसरी तरफ मोदी के 300 है, मगर जब एक तुम्हारा भाई टोपी और दाढ़ी के साथ खड़ा हो जाता है तो 300 में दर्द शुरू हो जाता है। और हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोले, आज तक ना बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं तो मिसाल दिया कि अशफाकुल्ला की और बिस्मिल की मिसाल आपको दिया, मगर याद रखो ये लोग क्या बोलते कि मिल जाओ मिलेंगे, दिल मिले हुए हैं मगर हिस्सेदारी चाहिए। 19% यादव है, 19% मुसलमान है, 9-10% यादव है, मगर मुख्यमंत्री आपका ही बनेगा और हमको चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी, हमारे बच्चों को स्कूल नहीं मिलेगा, वो ओवरब्रिज नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। आप एक बार अच्छा फैसला करके आने वाले विधानसभा के चुनाव में आप अपना एक रिकॉर्ड पतंग के निशान पर बटन दबाइए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। और लोग हमसे पूछते आप मिलते क्यों नहीं समाजवादी पार्टी से, हम उनसे कहते हैं जाके पूछो अखिलेश से, बात करने तैयार है बात करेंगे। बोले BSP से बात करो, हम बोले पूछो तैयार है बात करेंगे। मगर अगर आप ये समझेंगे कि आपकी पार्टी में जो नाम निहाद मुसलमान है उनकी तरह तुम मुझे मुझसे बर्ताव करोगे तो भूल जाओ, मैं मरना पसंद करूंगा मगर अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता। बराबरी से बात होगी, हिस्सेदारी की बात हो रही है। आप मुझे कोई खैरात नहीं देंगे, मेरा हक है मैं हासिल करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं तो इसमें अब शुरू हो जाएगा ये तालिबानी तालिबानी तालिबानी, सुना आपने, बोल रहे हर एक को। अरे हम तो बोल रहे हैं तालिबान को तुम बैन क्यों नहीं करते, हम तो मोदी जी से पूछे क्या तालिबान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है नहीं है, बताओ देश को, अगर है तो डालो UAPA में, नहीं है तो अपने इन चमचों को खामोश बिठाओ। बोले जाते हैं हमारे सामने आकर नहीं बोलते, क्योंकि उनको हम पूछते ये क्या है ये क्या है। हम में और दूसरों में बहुत फर्क है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हिम्मतों को बुलंद रखिए, डर को अपने करीब आने मत दीजिए, एक बार एक तब्दीली पैदा करो। आप ये तारीखी शहर है, ये औलिया अल्लाह की सरजमीन है, यहाँ पर हमारे बहादुरों ने अपनी तारीख को रकम किया है, दोबारा एक तारीख को रकम करिए। मैं सलाम करता हूँ आप तमाम को, मैं शुक्र गुजार हूँ हमारी इज्जतदार माँ और बहनों का, बुजुर्गों का, कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी बात को सुना। मैं फिर से आऊंगा, ये आखिरी मरतबा नहीं आऊ। अगर सपा BSP BJP के लोग समझ रहे हैं कि दोबारा नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा, बार बार आऊंगा, हर बार आऊंगा, आपके दिल में जगह बनाकर जाऊंगा, और आप में से किसी को इंशाअल्लाह अल्लाह विधायक बनाएगा मजलिस के टिकट पर इंशाअल्लाह। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।